saiyo. Baba, aap? Itni badi chaal chali aapne, Baba? और कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा तुमने मेरे लिए। अधर्म करने पर उतारू हो गए हो तुम, इसलिए तुम जब सावरी को लाने उसके घर चले गए, मैंने कुलकर्णी सरकार से मिलने का निर्णय ले लिया। हाँ, लेकिन बलवन जी, वो तो ईश्वरी संकेत था। उसी क्षण मैं भी आपसे मिलने के लिए आ रहा था, महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए। हरिओम। तो करिए ना, जो भी करना है करिए। किसने रोका है आपको? मेरा भी मानना यही है कि एक नीची जात की लड़की मेरे घर की बहुत तो क्या, नौकरानी तक नहीं हो सकती। क्या? लेकिन आपने तो महेश से, वो तो बस इसलिए ताकि महेश उस लड़की को बस्ती के बाहर गांव की सीमा तक ले आए। वहां बस्ती में कुछ करेंगे तो बस्ती वाले उनके बचाव के लिए खड़े हो सकते हैं, पर गांव की सीमा पर कौन रोकेगा हमें? आज तक महेश ने मेरा कहा माना है, तो उस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। उसकी खातिर वो मेरी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, भले ही वो उसकी जिंदगी का आखिरी सबक साबित क्यों ना हो। हे वसुंधरामा, हे जलदेव, हे अग्निदेव, हे आकाश, हे वायुदेव, आप तो पंच महाभूत हैं। बिना भेदभाव के सबको एक समान अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप ना किसी को ऊंचा समझते हैं ना नीचा, सबको संभाव से, एक दृष्टि से, निष्पक्षता से देखते हैं। समानता आपका सर्वोपरि गुण है। फिर आप किसी मासूम के साथ अन्याय होते कैसे देख सकते हैं? बाबा सावरी को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए हमें, जाने दीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, जाने दीजिए हमें। ए, कितना भी चिल्ला, तेरी मदद करने के लिए आज यहाँ कोई नहीं आएगा। आज का दिन शिरडी के लिए उदाहरण बनेगा, उदाहरण। महेश और सांवरी भी आप ही के बच्चे हैं, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी ऊर्जा उन्हें प्रदान कीजिए, उन्हें शक्ति दीजिए अन्याय के खिलाफ लड़ने की। आया
दो साई कामले हाथ में साई मोरे पतवार मोरे साई मोरे दाता मोरे तारंगार जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौरासी रे भव सागर तर दे घन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत उजियारे दीनों के सहारे ओ परम ज्ञान का परदे अंजन अलख निरंजन साई अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योतिष बनकर से हो गया इतनी शक्ति इसमें कहां से आ गई पांच पांच पहलवानों को इसने धूल चटा दी मुझे भी खून खराबे से परहेज नहीं आओ भागो महेश अरे गधो लेटे क्या हो उठ जाओ उठाओ बैल कहीं के अब मेरा क्या मुंह देख रहे हो जाओ पकड़ो उन्हें चलिए बलवंत जी पंचमहाभूतों ने मदद का हाथ बढ़ा दिया है अब हमारी बारी है चलिए भागो महेश जी, तुम जाओ मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ, जाओ। महेश, रोक। हरि ओम, मलवन जी, वो दोनों अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। हाँ। ए सुनो, तुम लोग दो दिशाओं में बढ़ जाओ।
उन दोनों को पकड़ना आवश्यक है। दोनों को क्यों? हरिओम, सावरी को ही पकड़ेंगे बलवंत जी, लेकिन महेश को छोड़ दिया तो बीच में आकर वो सावरी को बचा लेगा। हमारा शिकार तो सावरी ही है, लेकिन दोनों को पकड़ना होगा। जाओ, आज नहीं छोड़ेंगे। आइए। हट जा। नहीं हटूंगा, सावरी तक पहुंचने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। महेश, तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस लड़की को बचा नहीं पाओगे। या तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारे आदमियों की संख्या कितनी है? तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की को मौत के घाट उतार देंगे हम। लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही इसे कोई बचा पाएगा। जांको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके, जो जग बैरी हो। सच्चे लोगों की मदद के लिए
राम जी किसी ना किसी को तो भेज ही देते हैं बलवंत जी। तुम वो भी अकेले, किसे बचाओगे? ये है इनका असली रूप, मुंह में राम बगल में छुरी। पिताजी को देखकर कोई हैरत नहीं हुई? ये तो बरसों से यही करते आ रहे हैं। अपने अहम के लिए अपने बेटे को जो इंसान ना छोड़े, उनसे किसी और के लिए क्या उम्मीद कर सकता हूं। और अच्छी बात कि पिताजी हमेशा अपने पक्षपात वाली सोच को दिखाने में कभी संकोच नहीं करते। लेकिन काका आप भी, आपने तो हमेशा यही दिखाया है कि आप सबको बराबर समझते हैं, इसीलिए लोग आपका सम्मान करते हैं। आप भी ऐसे निकलेंगे, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बरसों में कमाई हुई इज्जत को एक पल में मिट्टी में मिला दिया आपने। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आज तक मैंने सबकी मदद की है। आज ये लड़की मेरे बेटे को फंसा रही है उसके पैसों के लिए। अगर मैं उसका विरोध कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं मैं? इंसान झूठ बोल सकता है बलवंत जी, चेहरे नहीं। यहां मौजूद सभी चेहरों को देखिए और पता चल जाएगा कि कौन सच है और कौन झूठ। महेश, सांवरी, जिस रिश्ते में तुम बनना चाहते हो, ये तो इसकी शुरुआत है, एक झलक भर है। सोचो, जिसकी शुरुआत में ही इतनी कठिनाइयां होंगी तो आगे का सफर कितना मुश्किल भरा होगा। क्या अब भी तुम एक होना चाहते हो? ये सब देखते हुए भी क्या तुम इस रिश्ते में बनना चाहोगे? जी साईं, सावरी के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इससे किया हुआ इसकी रक्षा का वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। सावरी, और तुम? मैं भी साईं। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये क्या रहे हो? मारो इसे। शादी नहीं होगी, हम इसे होने नहीं देंगे। ये धर्म के विरुद्ध है, ये सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ। मैंने लठेतों को कहा है, हमारे बीच कोई भी आए तो उसे काट डालना। ये लठेत भी मानते हैं
कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो धर्म के विरुद्ध हो रहा है, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। फिर से कह रहा हूं, पीछे हट जाओ, आगे यहां जो भी कुछ होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। धर्म की रक्षा के लिए चाहे मुझे कारावास ही क्यों ना जाना पड़े, वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। हरिओम। फकीर, तेरा नाटक शुरू हो गया फिर से। ये क्या कर रहे हो? खुद को लक्ष्मण समझते हो क्या? ऐसे बचाओगे इस रेखा से? जिस सत्य को लोग सामाजिक व्यवस्था के नाम पर छिपाना चाहते हैं, उसी सत्य की रक्षा के लिए ये रेखा खींची है मैंने। ये रेखा धर्म की रक्षा की रेखा है, और मनुष्य का केवल एक ही असली धर्म है, मनुष्यता। दूसरों की मदद करना, दूसरों का सम्मान करना, जो ईश्वर में मानता है उसे सब जीव जंतुओं में ईश्वर का अंश नजर आना चाहिए। यानी सबको बराबर दृष्टि से देखना मनुष्यता की एक पहचान है। मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास समदृष्टि नहीं है वो मनुष्य नहीं, लेकिन अपनी भूल को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करना, यह मनुष्य होने की जिम्मेदारी है और इसे हम सबको निभाना चाहिए। मौलसापति जी, शादी की रस्म शुरू कीजिए। जी साईं।